दो साल पहले जिस अदालत ने मुलजिम विक्रम गुप्ता को मुजरिम करार दिया था, आज वही अदालत नए सबूत और बयानात के बलबूते पर श्री विक्रम गुप्ता को बाइज्जत बरी करता है। हाय विक्रम। हाय इंस्पेक्टर विजय। किस तरफ जा रहे हो? वहां तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। अभी तो निकला हूँ यार, आजादी का मजा ले रहा हूँ। तुम्हारी इस गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो मजा किरकिर हो जाएगा। विक्रम सुनो, सुनो मेरी बात। तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे दोस्त होने के नाते भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ थे विक्रम, लेकिन आज कहानी कुछ और है। आज तुम आजाद हो। कानून ने यह साबित कर दिया है कि तुम बेगुनाह थे। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं तुम्हारे कानून का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा कानून मुझे मेरे 2 साल लौटा सकता है? क्या तुम्हारा कानून मुझे एक नई जिंदगी दे सकता है? हाँ दे सकता विक्रम। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शहर में प्रेस और पुलिस वालों का रिश्ता काफी डावाडोल है। पिछले दिनों शहर में कुछ दंगे फसाद हुए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर हमने वो खबर प्रेस वालों को नहीं दी। इससे यहाँ के अखबार वालों ने पुलिस के खिलाफ जैसे एक मुहिम, एक कैंपेन शुरू कर दिया। देखो विक्रम, तुम एक रिपोर्टर रह चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस के नुमाइंदा बन जाओ, प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट। कमिश्नर साहब से मैंने इस बारे में बात की है, वो तुम्हें नौकरी देने के लिए राजी हो गए हैं। कानून मुझ पे धब्बे लगाए और मैं कानून के धब्बे मिटाऊं? नो थैंक यू इंस्पेक्टर विजय सिंह, मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर नहीं है। नो थैंक यू। सारे सबूत और बयानात से साबित होता है कि मुलजिम विक्रम गुप्ता अखबार के घपले में न्यूज़पेपर स्कैम में पूरी तरह शामिल थे। इसलिए यह अदालत विक्रम गुप्ता को ताजिर आते हिंद दफा 406 और 420 के तहत 5 साल कैद की सजा का हुक्म देती है। I'm sorry, विक्रम, लेकिन मैं मजबूर हूँ और फिर अमेरिका जाने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। ठीक है सौदी, अब जब सारी दुनिया ने मुझे मुजरिम करार दिया है तो तुम भी। विक्रम मैं जानती हूँ कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम बेगुनाह हो, लेकिन क्या कानून इस बात को मानता है? नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। 5 साल बहुत होते हैं। इतने सारे इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, एक तो मिल ही जाएगा। नहीं ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, मैं हेल्प यू? जी मैं फोन करना चाह रही हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट, ये रहा, आइए। थैंक यू। वेलकम। Thank you.
सॉरी, मैं अपना पर्स भूल गई थी। ये आपका पर्स है? मैं सोच ही रहा था कि किसका पर्स है, वेटर को देने वाला था मैं। सो नाइस ऑफ यू, तो दे दीजिए। यस थैंक यू। क्या हुआ मैडम? कुछ भी नहीं, मैं अपना पर्स फोन के पास भूल गई थी और ये जनाब आपके हवाले करने वाले थे। खैर, अब तो मुझे मेरा पर्स मिल गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैडम, लेकिन आप फिर भी चेक कर लिए, दैट्स बेटर है ना? ठीक है। Everything is fine? You sure? Absolutely. Thanks. मेरा नाम रीटा बजाज। विक्रम, विक्रम गुप्ता। आइए कुछ देर के लिए बैठते हैं। Some other time, thank you. Please, मेरे तरफ से। क्या लेंगे? गरम चाय। Waiter. Yeah, ma'am. One cup of tea and one fresh lime soda. Sure. ये ठंडी हो गई है। Oh. So, Mr. Vikram, क्या करते हैं आप? जी, फिलहाल तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। और आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़पेपर एड्स के जरिए आपको नौकरी मिल जाएगी? कोशिश करने में क्या हाल है? किस टाइप की नौकरी ढूंढना है? I mean, what do you specialize in? आज की तारीख में तो बस नौकरी ढूंढ रहा हूँ, बस उसके साथ ढेर सारे पैसे जरूर मिलने चाहिए। मिस्टर विक्रम, शायद आपके लिए, आपके लायक मेरे पास नौकरी होगी जिसमें आपको ढंग के पैसे भी मिल सकते। कितने पैसे? मिस्टर विक्रम, क्या सारी बातें आज और अभी और इसी वक्त करने जरूरी है? रीटा बजाज, बजाज एंड बजाज ऑयल मिल्स, यानी कि आप गोपाल बजाज की पत्नी। नाइस मीटिंग यू मैम। माय प्लेजर मिस्टर विक्रम। प्लेजर इज माइन मैम। मिस्टर विक्रम, अगर आपको दिक्कत नहीं होगी तो जो पैसे आपने मुझसे लिए हैं क्या आप मुझे दे सकते हैं? यू विल आवर पे द बिल। हाँ हाँ, कोई देखिए। मिस्टर विक्रम, अगर आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं तो आप ये रख लीजिए। हाँ हाँ, यह आपका एडवांस नहीं है। मिस्टर विक्रम, आप जानते हैं कि इस सारे शहर में मुझे काफी लोग जानते हैं और मैं नहीं चाहती कि तरह तरह की बातें हों, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप मर्डर लाइन जाके मिस्टर मेहता का पीछा हाउस बुक करें। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर मेहता, आप बीच हाउस मर्डर लाइन, आई फेल टू अंडरस्टैंड। घबराइए नहीं मिस्टर विक्रम, काम किस किस्म का है? I'm sure Mr. Vikram, it will not be as difficult as taking the money from my purse. बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। और हाँ मिस्टर विक्रम, would you be kind enough to pay the bill? Thank you. साहब जी, 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रहता है, सीजन नहीं है ना साहब। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अभी मंगा लीजिए। नहीं, फ़िलहाल तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताओ, फ़ोन काम करता है? कमाल है साहब, आपके लिए फ़ोन तो क्या, बिजली, पानी, पंखा सब कुछ रेडी है सर। 24 आवर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी सर। अच्छा, ये 8,000 रुपये हैं, एडवांस रख लीजिए। और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको याद करेंगे। सर, ये आपकी चाबी। थैंक यू।
राइट ऑन टाइम। मुझे वक्त पर आने की आदत है। आप देखिए ना मिस्टर विक्रम, अगर उस दिन कैफे में मैं वक्त पर नहीं आती तो क्या आपकी और मेरी मुलाकात होती? हाँ, आपको 10,000 रुपए का मुनाफा तो जरूर होता, लेकिन 50 लाख का नुकसान भी। 50 लाख नुकसान? Excuse me, I fail to understand. मैं कुछ समझा नहीं। कमाना चाहोगे? कुछ बेवकूफ ही होगा जो 50 लाख रुपए कमाना नहीं चाहेगा, लेकिन काम किस किस्म का है? मेरी एक सौतेली बेटी है। I know, टीना बजाज, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई इकलौती औलाद। बाप उसे बहुत चाहता है, लेकिन आजकल बेटी बाप से नाराज है। बेटी की किसी लड़के को पसंद करती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन बाप को वो लड़का पसंद नहीं है। ये लेकर बेटी बगावत पर उतर आई है, रात रात घर से गायब रहती है। इस इशू को लेकर आपके पति टीना के बाप बहुत चिंतित रहते हैं। अच्छी खबर रखते हो। रिपोर्टर था मैं। तो फिर आपको ये भी खबर मिली होगी कि मेरे पति गोपाल बजाज सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं और डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ 6 महीने की मोहलत दी है। और गोपाल बजाज ने ये फैसला भी किया है कि अगर टीना ने उनके पसंद के लड़की के साथ शादी नहीं की तो वो सारी दौलत ट्रस्ट के हवाले कर देंगे। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गोपाल बजाज की एक लौती लाडली बेटी किडनैप होगी और तुम जाकर गोपाल बजाज को बताओगे कि उनके बेटी के जान के बदले तुम उनसे 5 करोड़ रुपए चाहते हो और इस सारे काम के लिए तुम्हें 10% मिलेगा, यानी 50 लाख। एक्सक्यूज मी मिसेस रीटा बजाज, आई एम नो क्रिमिनल, मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। और आपने यकीन कैसे कर लिया कि इस प्लान में मैं शामिल हो जाऊंगा? इसलिए क्योंकि मैंने आपके पर्स में से 10,000 रुपए निकाल लिए थे। आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मिस्टर विक्रम, जब किडनैपिंग होगी ही नहीं तो डर किस बात का? किडनैप होगी नहीं मतलब? टीना इस घर में सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगी। आपको सिर्फ गोपाल बजाज को जाकर यह कहना है कि उनकी लाडली बेटी के जान के बदले अब उनसे सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहते हैं। बस किसी एक जगह पर आकर वो आपको वो सारे पैसे दे देंगे। उसके बाद टीना अपने घर चली जाएगी। सिर्फ यानी कि टीना बजाज भी इस प्लान में शामिल है? हाँ। अब कहो, क्या तुम ये काम करना चाहोगे? मैं टीना बजाज से मिलना चाहूंगा। आप जानते हैं कि टीना एक जिद्दी लड़की है और इस सारे प्लान से वो सहमत नहीं है। वो बाहर गाड़ी में बैठी है, अंदर आने से मना कर रही थी। मैं फिर भी उससे मिलना चाहूंगा। No problem. Let's go and meet up. Tina, Vikram, Vikram, Tina. Hi. हेलो, कौन? हाँ हैं, बस यही हैं। होल्ड ऑन सर। किसका है? टीना का। हेलो टीना बेटे, कहाँ से बोल रही हो? देखो बेटे, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, तुम घर वापस लौट आओ प्लीज। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं सच कह रहा हूं बेटी, तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकती हो।
देखो प्लीज तुम घर वापस लौट आओ बस, मैं अब ज्यादा दिन का। हेलो हेलो क्या हुआ सर? वो नहीं आएगी, मैंने मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली लेकिन वो बहुत जिद्दी है। रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, आराम आराम से सांस लीजिए, कुछ नहीं होगा आप। आराम आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए। लखन जल्दी से डॉक्टर समिता शर्मा को बुला। पार्टी में किसी ने तुम्हें नोटिस किया? ऑफ कोर्स लोग मुझे नोटिस करेंगे। आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर विक्रम कि मैं गोपाल बजाज की बेटी हूं। यस ऑफ कोर्स, नाउ डोंट वेस्ट एनी टाइम। एक्सक्यूज मी, हेलो, प्लीज जरा संभल के प्लीज। गुड गॉड, डिड यू नॉट हैंडल अ लेडी? शायद आप शट अप, लिसन टू मी टीना, कोई बेवकूफी नहीं। यू गॉट टू कीप लो प्रोफाइल, डू यू अंडरस्टैंड? लो प्रोफाइल, अपनी सहेली को, अपने दोस्त को, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड को तुम कमरे में से फोन नहीं करोगी। yeah. जब तक मैं तुम्हें इतला नहीं करता तुम अपने कमरे में से हिलोगी भी नहीं। Do you understand? Get serious. Okay. Ready? Yes, okay. मैं किडनैप होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम हो कौन? उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है मिस्टर बजाज, बस आप मेरी बात गौर से सुनिए। अगर आपने पुलिस को इत्तला की तो आपको आपकी बेटी की लाश तक नहीं मिलेगी मिस्टर बजाज। नोट 100 और 500 के होने चाहिए, वक्त और जगह मैं आपको बाद में बताऊं। देखो देखो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूं मगर मेरी बेटी को। आपकी बेटी अभी तक सही सलामत है मिस्टर बजाज, लेकिन अगर आपने पैसे देने से इनकार किया या कोई होशियारी दिखाई तो मैं आपको कल फिर से फोन करूंगा। हाय विक्रम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक्स। मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बट आई हैड नो चॉइस। नो, इट्स ओके। विक्रम, पुलिस को शक है कि गोपाल बजाज की बेटी टीना बजाज का अपहरण हो गया। गोपाल बजाज ने कंप्लेंट दी है क्या? नहीं, अगर उन्होंने कंप्लेंट दी होती तो पुलिस को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया होता। दरअसल विक्रम, कल रात बजाज ने अपने बैंक मैनेजर को घर पे फोन करके उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें जल्द से जल्द एक बहुत बड़ी रकम विड्रॉ करनी है, 5 करोड़ रुपए। वो चाहते तो सुबह बैंक जाकर यह बात उनसे कह सकते थे, लेकिन नहीं, रात को 11:30 बजे के बाद उन्होंने बैंक मैनेजर को नींद से जगाकर यह बात कही। जब बैंक मैनेजर ने हमें यह खबर दी तो शक के बिना पर मैं उनके घर पहुंचा। बजाज साहब तो वहां मिले नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन हाँ, उनके नौकरों से जरूर पता चला कि उनकी बेटी टीना बजाज पिछले 2 दिनों से घर से गायब है।
अब जब तक बजाज साहब हमें खुद कंप्लेन नहीं दे देते कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है, हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। विक्रम, इस वक्त पुलिस को तुम्हारी जरूरत है। मेरी कैसी जरूरत? अगर सचमुच टीना बजाज का अपहरण हुआ है और प्रेस वालों को इसकी भनक भी लग गई तो और जानकारी हासिल कर लेने के लिए वो हम पर टूट पड़ेंगे। इससे किडनैपर शायद होशियार हो जाए और हमसे एक कदम आगे रहेगा। तो मुझसे क्या चाहते हो? जब तक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा इस बारे में कोई खबर छपनी नहीं चाहिए। विक्रम, मैंने तुम्हें पहले भी ऑफर दी थी, तुम एक अच्छे रिपोर्टर रह चुके हो, प्रेस वालों से तुम्हारा रिश्ता भी बहुत अच्छा है। पुलिस के लिए प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट की नौकरी तुम क्यों नहीं कर लेते? देखो, इनकार मत करना, नई जिंदगी की शुरुआत का मौका है ये। बात में दम तो है, और फिर ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा, तुम तैयार रहना। ओके, आई सी यू लेटर, बाय। विक्रम, जस्ट रिलैक्स। मुझे यकीन है कि मेरे डैडी पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, वो मुझ पे जांच रखते हैं, सो डोंट वरी, ओके? टीना, आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी चांसेस। मैं चांसेस बिल्कुल नहीं ले सकता। पैसे तुम्हें नहीं, मुझे जाके लेने हैं। और अगर पुलिस ने तुम्हारे डैडी पर जोर जबरदस्ती की तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। कौन? मैं। इसलिए तुम्हारे डैडी को मैं कल की बजाय आज अभी फोन करके पैसे डिमांड करूं। मिस्टर बजाज जी, मैं बोल रहा हूं, चेंज इन प्लान्स मिस्टर बजाज, कल की बजाय मुझे पैसे आज चाहिए। मिस्टर बजाज, मुमकिन है कि पुलिस आप पर जोर जबरदस्ती करे। अगर आपने पुलिस को इत्तला की मिस्टर बजाज, आप जानते हैं आपकी बेटी का क्या हश्र होगा। जगह आपको पता है मिस्टर बजाज, आज रात 11 बजे। ओके टीना, आंसर माय क्वेश्चन, तुम किडनैप कहां से हुई? क्लब के बाहर से। क्लब के बाहर तुम क्या कर रही थी? बाथरूम जाने के बाद फ्रेश एयर लेने गई थी। कितने लोगों ने तुम्हें किडनैप किया? दो। कहां लेके गए वो तुम्हें? एक छोटी सी कुटिया में। टीना, अगर रटे हुए डायलॉग जैसे जवाब दोगी तो नहीं चलेगा। ओफो, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है टीना। सही सलामत तुम जब घर पहुंचोगी तो तुम्हारे डैडी शायद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और तुम पुलिस के सवाल से वाकिफ नहीं हो। इसलिए टीना, जब तक हमें पैसे नहीं मिलते तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। डू यू अंडरस्टैंड मी? गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगते हो। Thank you.
क्यों नहीं? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे अकेले ही आने के लिए कहा था, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। कुछ बैग पकड़ा था। तो बंद कर लिया करो। गेट अप टीना, टीना गेट अप, वी गॉट द मनी, पैसे मिल गए हमें। टीना अपने डैडी के घर जाके सो लेना, उठो।
हेलो मिसेस रीटा बजाज के साथ बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर भाई। 6348306। हाँ नंबर सही है लेकिन कोई रीटा बजाज इधर नहीं रहता। लेकिन ऐसे कैसे हो सर? विक्रम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं मैं। खैर छोड़ो, चलो मेरे साथ जल्दी। कहाँ? विक्रम हमारा शक सही निकला, टीना बजाज का वाकई में अपहरण हुआ था। तुम्हारा मतलब है कि गोपाल बजाज ने? नहीं, गोपाल बजाज ने यह खबर हमें नहीं दी। दरअसल पुलिस को एक लाश बरामद हुई, शनाख्ती के बाद पता चला कि वो लाश टीना बजाज की। हमने फौरन गोपाल बजाज को संपर्क किया और कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बेटी वाकई में किडनैप हुई थी। उसके जान के बदले में उन्होंने 5 करोड़ रुपए का रैंसम भी दे दिया किडनैपर को। काश उन्होंने पहले कंप्लेन हमें दी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। खैर जहां लाश मिली है वहां पे प्रेस वालों की जमघट लग चुकी होगी, उन्हें संभाला तुम्हारा काम। बाकी तो हमने बजाज साहब को वहीं बुला लिया है ताकि वो अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कर सके। चलो मेरे साथ, कम ऑन, हरी अप। सर पटेल, बजाज साहब आ गए। सर वो अंदर है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसके लिए हमें डॉक्टर भी बुलाना पड़ा। वैसे इसके बाद लाश होने की बेटी की है सर। अच्छा भाई यहाँ का केयरटेकर मैनेजर मिला? मैंने हवलदार को भेजा, बस आता ही होगा सर। ठीक है, विक्रम आओ। चलो मुँह का लिया फोटो। फिंगरप्रिंट लिया आगे। हाँ चलो। फिंगरप्रिंट ले लिए आगे। पटेल किताब नहीं लिया आगे? सर ये जो यहाँ की देखभाल करता है। अच्छा खबर। चलो सर, तेरा नाम क्या है? लड़की पहचानते? नहीं साहब मैं नहीं पहचानता हूँ। मिस्टर बजाज मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुमने मेरी बेटी के बदले में मुझसे रुपए नहीं मांगे थे? क्या तुम वो नहीं हो? हाँ मैं वही था मिस्टर बजाज, बट आई कैन एक्सप्लेन मिस्टर बजाज प्लीज। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने मेरी बेटी का खून नहीं किया है? उस बंगले के केयरटेकर ने भी तुम्हें पहचान लिया था। मैं मानता हूँ मिस्टर बजाज, मिस्टर बजाज आई बीन फ्रेम्ड, मुझे फंसाया गया मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज आपकी लड़की कभी किडनैप ही नहीं हुई? व्हाट? यस मिस्टर बजाज, आपकी बेटी कभी किडनैप ही नहीं हुई थी। इट्स ऑल अ मास्टर प्लान मिस्टर बजाज, और ये प्लान आपकी बीवी ने रचा है मिस्टर बजाज। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा मैं मिस्टर बजाज, यकीन नहीं आता तो बुलाइए अपनी बीवी को, बुलाइए। रीटा, रीटा, रीटा जरा यहां आना। उनके आते ही आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, उनके आते ही। घबराइए मत प्लीज। नहीं डरने की कोई बात नहीं, आप यहां बैठे ना प्लीज। मिस्टर बजाज मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अपनी बीवी को बुलाइए। ये कौन है? यही मेरी बीवी है।
सर मैं आपकी बेटी से कभी मिला भी नहीं। सर मैं उस औरत से मिला हूं जो टीना बजाज बनकर सर असली कसूरवार और वो है जो अपने आप को रीटा बजाज बताती है, जिसने आपकी बेटी का खून किया, जिसने नकली टीना का खून किया। सर छठा सर मैं बेकसूर हूं, प्लीज बिलीव मी सर। ले जाओ इसे और खत्म कर दो। मिस्टर बजाज आप गलती कर रहे हैं। मिस्टर बजाज ना देख रहा हूं आपके चला मैंने नहीं। अफसोस की बात, मेरे हाथ तीन, बस एक भी खून करने का इरादा नहीं था। लेकिन क्या करें, मौके पर जब मिस्टर गोपाल तुम्हें रुपयों की बैट देने के लिए बाहर निकलनी है, बस उसी बात उनकी एक लौटी बेटी थी। वो तो अच्छा हुआ कि लखन ने टीना को घर के दरवाजे की तरफ आते हुए देख लिया। अंदर मैंने देखा कि उसी वक्त बजाज को अस्थमा का अटैक आया। बाहर लखन टीना को रोक रहा था और प्लान के मुताबिक मैंने शुरू किया। क्या हुआ, अब ठीक तो हो? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आ था। सही में कब आते मैंने वो नोटिस बताया। ये लीजिए पानी पीजिए। दूसरी तरफ टीना को रोकने की कोशिश में लखन को मजबूरन से चलना पड़ा। और वो दूसरी चीज वो कौन थी? एक्स्ट्रा दिन जान, उसे हमारे प्लान में शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हर तुम्हारे सामने नकली टीना बजाज बंद कराने के लिए हम लोगों ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए। लेकिन क्या करें, एम मौके पर उसने फोन पर लखन से पूरा पैसे की डिमांड कर दी। वी लेफ्ट विद नो चॉइस और तुम्हारे कॉटेज पहुंचने से पहले लखन वहां पहुंच गया। द रेस्ट इज हिस्ट्री। तब तुम नकली नोटों से भरा बैग लेने गए। जब लखन ने देखा कि तुम नकली टीना बजाज की लाश, उसने वहीं पर असली टीना बजाज की लाश रखी। और क्या, कम से कम एक खून का इल्जाम तो तुम्हारे सर लगेगा। और मेरे खून का इल्जाम वो किसके सर लगा? अब किसके साथ क्या, हम दोनों का तो मकसद पूरा हो चुका। लखन डार्लिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे ज्यादा खून खराबा पसंद है। अगर उस दिन कहती हूँ तुम मेरे पास से पैसे नहीं चुरा तो शायद हम दोनों को बाय। मेरा क्या, तोड़ दो। तुम कहो तो मैं इसे गोली मार देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो लखन डार्लिंग? शट अप, ये बैग मुझे दो, दे दो। रमजान, अजब, अजब, इलाही। वेल डन विक्रम, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। अब शायद इस माइक की कोई जरूरत नहीं। हवलदार माइक बंदूक, इंस्पेक्टर कैसेट,
तुम दोनों को सजा दिलाने के लिए ये काफी है। ले जाओ ना। ये तो अच्छा हो विक्रम कि तुमने सही वक्त पर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, वरना शायद इस बार तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते। Let's go.